श्री ओम प्रकाश जी, आपका इस देवभूमि में, इस पार्वती प्रेमा जगाती में गीता जयंती के पावन उत्सव पर आपका स्वागत और अभिनंदन। यह परम सौभाग्य का विषय हम सबके लिए श्री जय गणेश चौबे जी के करकमल हमारे इस पार्वती प्रेमा जगाती में पड़े और हम सब आनंदित हुए। आज गीता जयंती 3 दिसंबर, हर वर्ष 3 दिसंबर के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इसका ध्येय, इसका उद्देश्य केवल एक ही सार गर्भित है कि भारतीय संस्कृति की जो पहचान अपनी गीता है, पवित्र ग्रंथ है, उसका हम अपने जीवन में अनुकरण करें, हृदयंगम करें और उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। परम सौभाग्य कि श्री जय गणेश चौबे जी के मुखार बिंदु से गीता की इतने अच्छे प्रवचन और साथ में इस शिक्षा की मंदिर में बैठ करके जो ज्ञान अर्जन कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए जो उपदेश दिया गया वह सार गर्भित होने के साथ साथ हम लोग को भाव विभोर कर गया। मैं एक एक शब्द सुन रहा था, कितनी उसमें आत्मीयता, भारतीय संस्कृति, कर्मयोग, भक्ति योग, सबसे समावेशित या प्रवचन हम सबको निश्चित है कि फलित होगा और हम आनंदित होंगे और अपने जीवन में अनुकरण करेंगे। गीता एक पवित्र ग्रंथ, इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं हुआ। मेरा भी परम सौभाग्य था, बाल्यकाल से सरस्वती शिव मंदिर का छात्र होने के पश्चात बार बार यही सुना करता था गीता पवित्र ग्रंथ है, गीता पवित्र ग्रंथ है, लेकिन कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके कुछ छोटे छोटे अंश यदाय धर्मस्य, इस टाइम के जो श्लोक हुआ करते थे उनको हम लोग पढ़ के आत्मसात किया करते थे। सरस्वती शिव मंदिर में हम लोग को पढ़ाया जाता था। जब कोविड काल आया, गुरुजी वक्तव्य सुना रहा, कोविड काल आया, हम सब अपने घरों में बंद हो गए, कोई काम नहीं था, हम कहीं निकल नहीं सकते थे। पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व पिछड़े में बंद हो चुका था। उसी समय भगवान कृष्ण की प्रेरणा से मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए और गीता का अध्ययन किया जाए। प्रतिदिन 3 से 4 घंटे बड़े आत्मीयता के साथ उस आध्यात्मिक और पवित्र ग्रंथ का अध्ययन किया, बड़ा ही आनंद आया। और आज बच्चों मैं इस बात को कह रहा हूं, सभी सदन में जितने आचार्य हैं सभी को कभी ना कभी मौका मिले तो गीता को जरूर पढ़ें। गीता अपने आप में ग्रंथ, अपने आप में एक व्यवहार, एक सदाचार, एक अनुशासन, एक व्यवहारिकता, एक जागृति का एक ग्रंथ है। एक एक लाइन का जब अर्थ हम पढ़ते हैं उसमें क्या है आनंद की अनुभूति होती है और सोचने पे हम विवश हो जाते हैं, क्या बात है। गीता पर इसकी जो गीता है उस पर बहुत छोटी छोटी कथाएं भी दी हुई है, बड़ा आनंद आया। मैंने उसको मार्क किया और उसको बहुत सारे अपने व्याख्यानों में मैं बोलता रहा। तो गीता अपने आप में पवित्र ग्रंथ के साथ एक अनुशासन सिखाने के लिए, कर्म योग के लिए, भक्ति योग के लिए, और जितने भी हमारे आज डॉक्टर जय गणेश चौबे जी ने आज विषय रखा है, क्योंकि उनके आगे हमें बोलना सूरज को दीपक जलाने जैसा है। यदि उन्होंने प्रवचन दे दिया है तो उसकी अब ज्यादा भावार्थ और उसकी व्याख्यान करना उचित नहीं होगा, समय की भी अपनी सीमा है। अतः केवल भैयाओं, आज गीता जयंती के पावन पर्व पे मैं इस बात को रखूंगा कि जीवन में कभी भी मौका मिले, बल्कि समय निकाले, हर व्यक्ति समय निकाले,
दो पन्ना एक पन्ना जो रोज भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, जीवन में बदलाव आएगा, जीवन में के साथ साथ सोच में बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे, नकारात्मकता को खत्म करेंगे और चीजों को ग्रैप करने की आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में जिसने गीता का अध्ययन किया और सच बता रहे हैं अपने ज्ञान में चार चांद लगाएगा। फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, एसएसटी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, हर विषय पढ़िए, लेकिन साथ ही गीता को भी पढ़िए, आपके ज्ञान की पुष्टि और अच्छी होगी, प्रबल होगी और आप प्रखर बनेंगे। आज गीता जयंती के इस पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामना देता हूं और जीवन में यशस्वी बनने के साथ साथ यह प्रेरणा देता हूं कि गीता का अध्ययन करना अपने जीवन को चरितार्थ करने जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।